अनमोल वचन प्रेम भक्ति। हे तीन लोगों के सूर्य, मैं तुम्हारी किरण हूँ। वियोग का शोक तो केवल मन का भरम है। तुम स्वयं चुप कर बैठे हो, परंतु खेल कैसा ना मनोहर रचा है। तुम स्वयं बेरंग हो, लेकिन रंग कैसे कैसे ना मनमोहक रचे हैं। पेड़ का प्रत्येक पत्ता पत्ता चुपचाप तेरा गुणगान कर रहा है। उद्यान का प्रत्येक पुष्प ध्यान पूर्वक तुम्हारी आवाज सुन रहा है। दिल है तुम्हारे बैठने का दरबार, और प्रेम है उस दरबार में प्रवेश करने का द्वार। जब दिल को खोजा तो दुनिया में ईश्वरीय बगीचे का दृश्य देखा। जब भीतर का नेत्र खोला तब प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की ज्योति दृष्टिगोचर हुई। आँखों में है तुम्हारी ज्योति, और हृदय में है तुम्हारा आनंद। आकाश से पाताल तक तुम्हारा सारा दृश्य देख रहा हूँ। परमात्मा के अलावा और है कौन? यह मैं की बक बक क्यों करता है? जो परमात्मा का ना हुआ वह अन्य किसी का भी नहीं हो सकता। भक्ति के गौरव की मिट्टी के मंदिर को क्या खबर? इसमें तो एक एक कदम पर मंदिर है, और एक एक पत्थर ठाकुर है। हे प्रभु, तू मेरा अंग अंग में प्रवेश कर और रोम रोम को अपने प्रकाश से भर दे, तो तुम्हारा पथ दर्शन से मेरा समस्त कार्य ईश्वरीय कर्प बन जाए। दुनिया को देख देख कर दिल बेईमान होने लगता है। अफसोस, यह आंख को जो प्रकाश का घोंसला है, वही मनुष्य एवं परमात्मा के बीच में पर्दा बनकर खड़ी है। हे प्रभु, मेरा पैर बार बार लड़खड़ाता रहता है। तुम्हारी दया की दृष्टि ही है मेरे लिए सच्ची शक्ति। हे प्रीतम, यदि तुम कहो तो मैं अपनी जबान खोल कर बोलूं, लेकिन तुम्हें देखने से मन बेबस होकर शांति के आनंद में मगन हो जाता है। तुम्हारे प्रेम का चश्मा आँखों पर चढ़ाकर ऊपर नीचे इधर उधर देखा, क्या देखता है हूँ कि कण कण तुम्हारे दर्शन का दर्पण बन खड़ा है। इस अनेकता में जहाँ तहाँ हर रंग में तू ही तू खड़ा है। इतने हैं तुम्हारे रंग और रूप, तो भी आश्चर्य यह है कि तुम्हें एक कहते हैं। ज्ञान है नींव, कर्म है भवन की दीवारें, और भक्ति है भवन का सुंदर कमरा। हे भाई, उस आकर्षक महल में कुशल पूर्वक रहो। तन और मन दो अस्त्र है जो परमात्मा ने बनाया है। निर्माता को ही अनेक काम में लाने का पूरा ज्ञान है। तब तन और मन परमात्मा को अर्पण करो, तो दोनों से सुंदर कार्य सिद्ध हो। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने बनाया, तभी महाभारी युद्ध में अर्जुन ने विजय प्राप्त की। यदि तुम भी अपने मन का रथ भगवान को अर्पण कर दो, तो संसार के संग्राम में सदैव विजय प्राप्त करो। परमात्मा को अपनी माता समझ, और स्वयं को
उसका अबोध बालक। विश्वास करो तो यह सारा संसार तुम्हारा घर बन जाए और संसार की सब वस्तुएं तुम्हारे मनोरंजन के लिए खिलौना बन जाए। ईश्वर की बंदगी हर वस्तु हर समय हर जगह हो रही है, यही सच्ची ज्ञान भक्ति है। भला इसके अलावा है कौन? हर चीज में ईश्वर की प्रभुता का संसार जगमगा रहा है। प्रत्येक तन माला है, प्रत्येक विचार मन का है। बुद्धिमान के लिए विचार का परिवर्तन होना ही भक्ति है। प्रत्येक हर समय हर जगह भक्ति में मगन है, यही है असली दृष्टि और असली हकीकत। नमस्ते, थैंक यू।